चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कुछ ना कुछ रिव्यू करती रहती हूँ। इस बार मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है एक ब्लूटूथ स्पीकर। ये स्पीकर हम लोग को कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लिपकार्ट पर इस फेस्टिव सीजन में सेल चल रही है, तो पहले जो सेल चल रही थी उस पर मैंने इसे ऑर्डर किया था। तो फ्लिपकार्ट ऐप से आप लोग कैसे परचेज कर सकते हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगी। खोल कर देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसा है। और जब तक मैं इसे ओपन करती हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ इस तरह के बॉक्स में हमें रिसीव हुआ है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैकेजिंग। और इसके कलर्स भी कई सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें स्लेटी कलर है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, पर्पल है। तो आप जिस कलर में भी चाहें इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था। तो कुछ ये इस तरह से ओपन होता है। पैकेजिंग तो फ्लिपकार्ट की काफ़ी अच्छी है। तो ये यहाँ से ओपन होता है। तो ये हमें इसमें केबल मिला है साथ में। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसे ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था, तो ये देखिए इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बेस्ट क्वालिटी में मुझे मिला है। इसका साइड है दोनों तरफ और इसका बैक पोर्शन ये है। तो चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। एफेरॉन्स 3D ब्लूटूथ स्पीकर है और इसमें आप वॉल्यूम का ये बटन देख रहे हैं। इसमें इसे वॉल्यूम कम और इसे वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें कई मोड दिए होते हैं, FM मोड है और भी मोड है। इसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है इस बटन से। और यहाँ से आप लाइट, इसमें जलती है तो लाइट अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहो तो जलाओ और चाहो तो ऑफ़ कर दो। इस बैक साइड में इस तरह से तीन पोर्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है ये चार्जिंग पोर्ट है, इसको आपको चार्ज करना पड़ेगा। और इसमें जैसा कि सिर्फ एक ही केबल दिया हुआ है, कोई चार्जिंग तो दिया नहीं है, तो आप अपने रेगुलर मोबाइल चार्जर से भी इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर लगा कर इसे चार्ज करना होगा। और यहाँ से आप इसमें ये केबल ऐड कर सकते हो USB, और इसमें आप जो है मेमोरी कार्ड स्लॉट इंसर्ट कर सकते हो। और इसकी जो है इस तरह से इसमें डोरी लगी हुई है। इसमें आप कॉल रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हो। इसके आपको इसे एक घंटे तक चार्ज करना होगा अपने रेगुलर मोबाइल चार्जर से। और जो है इसे आप यूज़ करने का टाइम अगर पूछते हैं तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं 7 घंटे तक। 7 घंटे तक आप इसे नॉनस्टॉप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। और इसका परचेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसे आप फ्लिपकार्ट से ईज़िली परचेज कर सकते हो। जैसा कि दिवाली सेल चलने वाली है तो बहुत ही आपको अच्छे डिस्काउंट में ये मिल जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा अंडर 500 ये बहुत ही अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर है। आप आराम से इसे पार्टी में, घर में, बर्थडे फंक्शन में आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। और इसे आप पेयर, आप अपने मोबाइल से भी पेयर कर सकते हो, टैबलेट से पेयर कर सकते हो, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, आप इसे किसी से भी पेयर कर सकते हो। इसको आप लोग परचेस करने से पहले एक बार प्राइस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्काउंट वगैरह आपको अच्छा खासा बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट। तो चलिए मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले इसे ऑन करते हैं। ब्लूटूथ मोड, ये बहुत ही शानदार लाइट्स हैं इसमें। इसे अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का आपको सिंबल दिखेगा, तो आप इसे पेयर कर सकते हो। कनेक्टेड, देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
फ्लिपकार्ट ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर फ्लिपकार्ट सर्च करना होगा। डाउनलोड हो चुका और इंस्टॉल हो रहा है। अब देखिए ये हमारा फ्लिपकार्ट ऐप इंस्टॉल हो चुका। अब ये ओपन करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर क्लिक करते ही हम लोग फ्लिपकार्ट की ऐप पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए आपसे लैंग्वेजेस पूछेगा, आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, तो मैं तो इंग्लिश चूज़ कर रही हूँ। फिर कंटिन्यू करेंगे एंड देन यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिर कंपनी की तरफ से, तो उस कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और देखिए हमारी ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये प्रोडक्ट कैसा लगा।